कांग्रेस दलेन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालये सद्यो दुरापादितस्य हिंसाचारस्य उत्तरदायीं भाजपादलं प्रोदीरितमासीत्। एतदर्थं भाजपादलेन कांग्रेस दलं भीतं भर्त्सितम्। भाजपा नेता प्रकाश जावडेकरः आरोपः निराधारः प्रतिपादितः। पञ्चदश देशानां राजदूतानां जम्मू कश्मीरस्य द्विदिवसीय यात्रा दलेन तत्र प्रदेशस्य स्थितिः समीक्षिता। यात्रायाः उद्देश्यं प्रवर्तित सामान्य स्थितेः ज्ञानं प्रतिपादितं विदेश मन्त्रालयेन। अमेरिकीय रक्षामन्त्रिणा मार्क एस्पर इत्यमुना रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन दूरभाषमाध्यमेन सम्भाषणम् आचरितम्। नेतृद्वयेन द्विपक्षीयः रक्षासहयोगः अतोऽपि विवर्धयितुं प्रतिबद्धता प्रकटिता। अमेरिकीय रक्षामन्त्रिणा खातिक्षेत्रस्य घटनाक्रमस्य विवरणमपि प्रदत्तम्। ब्रिटेन देशस्य सांसदैः ब्रेक्जिट सन्धि अनुमोदितः। ब्रिटेनस्य जनवरी 31 दिनाङ्के यूरोपीय संघात् बहिरागमनस्य मार्गोभूत प्रशस्तः। यद्यपि सन्धिरेषः ब्रिटेन संसदः उच्चसदनात् यूरोपीय संसदा च नैव अनुमतः। अद्य प्रभृति गुवाहाट्यां समारभन्ते खेलो इण्डिया इति भारतीय युवक्रीडाणां तृतीयं संस्करणं 37 देशानां केन्द्रितशासित प्रदेशानां च क्रीडकाः भागं निर्वक्ष्यन्ति। भारत श्रीलंका देशयोर्मध्ये अद्य सायं पुणे नगरे समायोज्यते 20-प्रतिविंशति श्रृंखलायाः तृतीया स्पर्धा। अभिवादये अहमस्मि हेमलता, अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणेस्मिन् अथ वार्ताः विस्तरेण। कांग्रेस दलेन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालये सद्यो दुरापादितस्य हिंसाचारस्य उत्तरदायीं भाजपादलं प्रोदीरितमासीत्। एतदर्थं भाजपादलेन कांग्रेस दलं भृशं भर्त्सितम्। भाजपा नेता प्रकाश जावडेकरः आरोपः निराधारः प्रतिपादितः। कांग्रेस दलेन प्रोक्तम् आसीत् यत् हिंसा घटनायाः उत्तरदायिनौ अमित शाहः मानव संसाधन विकास मंत्री च आक्षम्यताम्। कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जेएनयू का हिंसा सरकार एवं मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा प्रायोजित है। हद हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वहां विश्वविद्यालय में सेमिस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1 जनवरी को शुरू हुई। 1 जनवरी को 1100 छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, जिसका बहिष्कार करने का आह्वान कम्युनिस्ट और कांग्रेस के यूनियंस ने किया था। पुलिस इंक्वायरी में सब सच्चाई बाहर होगी, नकाबपोश बेनकाब होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवर्तमान वित्त वर्षस्य वित्त सत्रात् प्राक् गतदिने अर्थशास्त्रिभिः विभिन्न क्षेत्राणां विषय विशेषज्ञैश्च सार्धं मन्त्रितवान्। अत्रांतरे देशस्य अर्थव्यवस्था स्थितिः आर्थिक वृद्धिश्च सबलयितुम् उपाय विषयेषु विचार विनिमयो विहितः। नीत्यायोगे समनुष्ठिते उपवेशनेस्मिन् विभिन्नानां आर्थिक क्षेत्राणां 38 विशेषज्ञाः प्रधानमन्त्रिणा समाहूताः। प्रोक्तं च भारतं 5 अर्बुद अमेरिकीय डॉलर राशेः अर्थव्यवस्थात्वेन विनिर्मातुं सर्वैरपि हितधारकैः केन्द्रित प्रयासाः समाचरणीयाः। अमुनोक्तं यत् 5 अर्बुद डॉलर इत्यस्य अर्थव्यवस्थायाः विचारः नैव सहसा समागतः, अपितु विचार एषः देशवासिनां दृढेच्छा धारितोऽस्ति। जम्मू कश्मीरात् 70+300 संख्याकस्य अनुच्छेदस्य अधिकांश प्रावधानानां अपसारणानन्तरं तत्र स्थितौ प्रत्यहनी परिष्कारो दृश्यते। कतिपय देशैः कश्मीरस्य स्थितिः अवगन्तुं समीहा प्रकटिता आसीत्। अनन्तरं विदेश मन्त्रालयेन
पञ्चदश देशानां राजदूताः कश्मीरं प्रति प्रेषिताः दिल्ल्यां निवसन्तः इमे राजदूताः विशेष विमानेन गतदिवसे श्रीनगरं सम्प्राप्ताः शिष्टमण्डलेन तत्र समाजस्य प्रबुद्धजनैः स्थानीय समुदायैः राजनीतिक दल नेतृभिश्च सार्धं संवादः समाचरितः दिल्ल्यारक्षीबलस्य विशिष्टे नैकेन एकांशेन ISIS इति आतंकी गुल्मस्य आतंकवादी त्रयम् निगडितम् दिल्ल्याः वजीराबाद क्षेत्रे एभिः आतंकवादिभिः संजात संघर्षानन्तरं तेषां निगडनं संजातम् निगडित आतंकवादिभ्यः बृहन्मात्रायां विस्फोटक वस्तूनि अधिगतानि दिल्ल्यारक्षीबलेन सम्प्रति आतंकवादिभिः सार्धं परिपृच्छा विधीयते ख्वाजा मोइनुद्दीन सैयद नवाज और अब्दुल समद ये आज सुबह वजीराबाद में एक ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ फायर के बाद पकड़े गए इनके पास से तीन पिस्टल्स मिली हैं 9mm की 12-13 दिसंबर के आसपास जो छह लोग भागे थे उसमें से तीन लोग नेपाल की तरफ चले गए थे ये लोग नेपाल में रहे और नेपाल से उसके बाद ये दिल्ली में आ गए थे और इनको NCR में यूपी में कहीं कोई टेरर स्ट्राइक का प्लान बना रहे थे जिसके लिए इन्हें फॉरेन बेस्ड हैंडलर से इंस्ट्रक्शंस मिलने थे शुरुआती जांच से अभी ये पता चला है कि ये ISIS इंस्पायर्ड मॉड्यूल है संस्कृतस्य प्रचार प्रसाराय सुविख्यातया संस्कृत भारतीति संस्थया हिमाचल प्रदेश न्यास द्वारा संस्कृतस्य प्रचार प्रसाराय प्रदेशे बहुविध कार्याणि विधीयन्ते भारतस्य प्राचीन ज्ञान निधि संस्कृत ग्रंथेषु सन्निहितास्ति ताम निधिं पुनः अर्जयितुं समाजं प्रति तच्छ समर्पयितुं च संस्कृत भारती तत्र प्रदेशे विविध पदक्रमान् समुत्थापयति संस्कृत भारत्याः प्रयासैः एव संस्कृत भाषा हिमाचल प्रदेशस्य द्वितीय राजभाषत्वेन प्रचिता वर्तमान काले दश दिवसात्मकाः प्रबोधन वर्गाः हिमाचल प्रदेशस्य सोलन ऊना देहारेति त्रिषु स्थलेषु समायोज्यन्ते तत्र हि रोचक विधिना संस्कृतस्य प्रशिक्षणं संस्कृतेन संभाषणस्य योग्यता चापि प्रदीयते अत्र हि सार्ध चतुःशतं जनाः भागं गृह्णन्ति पुनश्च तेषां संस्कृतानुरागिनां जनानां शिक्षणाय उपशतं शिक्षकाः प्रशिक्षणं यच्छन्तः सन्ति एवं हिमाचल प्रदेशे साम्प्रतं यावत् अनया संस्थया लक्षाधिकाः जनाः प्रशिक्षिताः हिमाचल प्रदेशे संस्कृत भारत्याः कार्यं 99 वर्षे आरब्धं तदारभ्य इदानीं पर्यन्तं संस्कृतस्य एकं उत्तमं वातावरणं निर्मितम् अस्ति तस्य परिणामतः हिमाचल प्रदेशस्य द्वितीय राजभाषा संस्कृतम् अभवत् प्रथम द्वितीय कक्षाता अष्टमी पर्यन्तं संस्कृतम् अनिवार्य विषय रूपेण पाठ्यते महाविद्यालयेषु सर्वत्रापि संस्कृतम् पाठ्यते उच्च अध्ययन निमित्तं हिमाचल प्रदेश सर्वकारेण संस्कृत विश्वविद्यालयस्य अपि आरम्भः करिष्यति संस्कृतं सर्वत्र भवेत् सर्वेषां भवेत् इति उद्देश्यं स्वीकृत्य संस्कृतभारती कार्यं करोति संभाषण शिक्षणम् अस्माकं प्रथमम् उद्देश्यम् अस्ति संभाषणता शास्त्रपर्यन्तं नयनम् अस्माकं अपरम् उद्देश्यम् अस्ति शास्त्रशिक्षणेन शास्त्रे विद्यमानानां अंशानां अध्ययनं कृत्वा समाजपर्यन्तं सविषय गच्छेत् एतेन उद्देश्येन समग्रे अपि देशे संस्कृतभारती विविधैः आयामैः कार्यं करोति
ब्रिटेन देशस्य सांसदैः ब्रेक्जिट संधेः अनुमोदितः ब्रिटेनस्य जनवरी 31 दिनांके यूरोपीय संघात् बहिः रागमनस्य मार्गोभूत प्रशस्तः यद्यपि संधिरेषः ब्रिटेन संसदः उच्च सदनात् यूरोपीय संसदा च नैव अनुमतः संधेः पक्षे 13.3% विरोधे च 31.2% मतदानानि समागतानि एतदनु ब्रिटेनः यूरोपीय संघस्य 50 वर्षीया पुरातन सदस्यता अवसारनार्थं अग्रे सरति अद्य प्रभृति गोवाहाट्यां समारभन्ते खेलो इंडिया इति भारतीय युव क्रीडानां तृतीयं संस्करणं 37 देशानां केन्द्रशासित प्रदेशानां च क्रीडकाः समारोह अद्य सायं गोवाहाट्यां इंदिरा गांधी क्रीडांगणे आयोक्ष्यते वार्ता संस्करणम् एतत् सम्पद्यते अधुना अभिनव वाभिवार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः भूयात् तावत् मङ्गलम्।